आज मैं बना रही हूँ दिल्ली के स्पेशल कलमी बड़े, जो मेरी अम्मी की रेसिपी है और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत अच्छे बनते हैं। और ये बनते तो चने की दाल के हैं, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से, बट ये लगता है कि जैसे फ्राइड फिश है। तो चले बनाते हैं। कलमी बड़े बनाने के लिए मैंने चने की दाल ले ली है, सिर्फ इसमें चने की दाल जाएगी। मैंने 1 कप नॉर्मल साइज़ का चने की दाल ले ली है। ये मैंने बहुत अच्छे से दाल को वॉश कर लिया है, फिर इसको मैंने भिगोने के लिए रख दिया है। मिनिमम 2 आवर्स 3 आवर्स के लिए रख दूँगी मैं इसको भिगे हुए, और क्वांटिटी में ये डबल हो चुकी है। अब इसमें जो हम मसाले ऐड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने इसमें लिया है 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स, 1 मैंने ली है मीडियम साइज़ की प्याज, और 5 मैंने लिए हैं लहसुन के क्लोव, और 1 टीस्पून मैंने इसमें लिया है सॉल्ट, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें साबुत धनिया लिया था, उसको हल्के से मैंने क्रश कर लिया है बेलन से। और आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दाल का सारा पानी मैंने हटा दिया है। अब इसमें मैं ये जो है क्रश चिली ये ऐड कर दूंगी, पिसा हुआ गरम मसाला ये ऐड कर दूंगी, साबुत धनिया और लहसुन ये ऐड कर दूंगी, और प्याज को मैं भी कट करके इसके अंदर ऐड कर दूंगी। फिर इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें प्याज भी ऐड कर ली है, सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, ऐसे पीसना है कि थोड़ा सा थिक रहे। बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ना बहुत ही ज़्यादा बारीक है, और इसकी थिकनेस देखिए कि इस तरह से है। ये देखें इसकी मिनटी फील ही है, हमने इसकी दाल की थिकनेस पे देखना है कि बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। अब हम इसके बनाएंगे कबाब। 1 इंच के बराबर हमने ऑयल लेना है, बस इतना इनफ है, बहुत ज़्यादा फुल करके नहीं लेना। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। अब मैं इसको इस तरीके से बड़े वाले स्पून में इसको फिल करूँगी, और इस तरह कर देंगे कबाब टाइप का हमने शेप देना है इसको। फ्लेम मैंने इसका मीडियम रखा हुआ है, मीडियम लो है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं बनाएंगे वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से एकदम से बन जाएंगे ये। तो ये आहिस्ता आहिस्ता से बन रहे हैं। थोड़ा 1 मिनट बाद मैं इसको पलटूंगी। ये देखिए 2 मिनट पर साइड इसमें लग रहा है, और ये कुछ चपटी कबाब टाइप का बन गया है। मैं इसको निकालूंगी, इसको थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए हम करेंगे ठंडा। कबाब हमारे बन चुके हैं, और ये आपको मेक श्योर कर लेना है कि ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हों, तो फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हम इसके कलमी बड़े कट करेंगे इस तरीके से, इस तरह से हम कट करेंगे। नमक मिर्च हर चीज बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छे बने। ये देखिए इसका साइज इस तरह से रखना है, और मैंने टेस्ट किया है, बहुत बहुत मजे के हैं। लेकिन अभी ये रेडी नहीं हुए हैं, इसको इस तरीके से आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं। फिर आपने जब फ्राई करना हो तो उसको थोड़ा सा बस फ्राई कर लें हम 30 सेकेंड्स के लिए। इस तरह से मैं इसको कट करती जाऊंगी। कटिंग हो चुकी है इसकी, और आपने जब भी खाना हो इसको 30 सेकेंड के लिए आप फ्राई कर लें। तो ये रेडी है। इसके ऊपर चाट मसाला आप स्प्रिंकल करके चटनी के साथ या केचप के साथ किसी के साथ भी सर्व करें, बहुत मज़े के बनते हैं। बस इसको जस्ट 30 सेकंड के लिए हम फ्राई कर लेंगे।